नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज बिट वाई ऑपरेटर। ऑपरेटर का जो चैप्टर चल रहा था हमारा, उसमें ये लास्ट टॉपिक है, उसमें बिट वाई ऑपरेटर। अब बिट वाई ऑपरेटर में हमारा आता है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट एंड जॉर ऑपरेटर। इसके बाद आता है लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। पहले हम जानते हैं एंड ऑपरेटर को यह किस प्रकार काम करता है। यहां पे लिखा गया है कि एंड ऑपरेटर क्या काम करता है। एक्चुअली ये जो बिट वाइज ऑपरेटर है ना, वो बिट पे ही काम करता है। बिट का मतलब होता है जीरो और वन में ही काम करता है। तो जीरो वन में कैसे काम करता है, ये कह रहा है सेट ईच बिट टू वन, सारे बिट पे वन कर दो इफ बोथ आर वन। इसका मतलब जो टेबल हम लिखे हैं, इस टेबल में ये कह रहा है कि अगर एक्स वन है और वाई वन है तो वन कर दो, अन्यथा जो है वह सबको जीरो कर दो। तो इसीलिए हमने यहां पे सबको जीरो कर दिया है। उसी प्रकार से और ऑपरेटर हम क्या है कि सेट ईच बिट टू वन, सारे बिट को जो है वह वन सेट कर दो, यदि उनमें से मतलब उन दोनों में से कोई एक जो है वह वन हो, कोई एक जो है वह वन हो। जैसे यहां पे देखिए कि यहां पे यक्स और वाई, यक्स वन है वाई वन है तो यह वन हो गया। उसी प्रकार से इसमें एक एक है, मतलब इसमें जो है यक्स वन है वाई जीरो है, तो इसलिए हमें वन लिख दिया। क्या है, कोई एक भी हो तो भी जो है वह वन कर देना है। अब इसी प्रकार से आगे आप देख रहे हैं, फिर यहां पे आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर को जो है हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंटर भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है ना कि इन्वर्ट कर देते हैं, उल्टा, यानी अगर जीरो है तो उसे वन कर देंगे और वन है तो उसे जीरो कर देंगे। फिर एक नया आया है, यहां तक आप जो है लॉजिकल ऑपरेटर में ही पढ़े थे। अब यहाँ पे एक बिट वाइज ऑपरेटर में नया आया है जॉर ऑपरेटर। जॉर ऑपरेटर में क्या है, अगर साइन सेम है तो उसे जीरो कर दो, अगर अपोजिट है तो उसे वन कर दो। यहां पे देखिए, अगर वन वन है तो जीरो कर दो, अगर वन वन है तो जीरो कर दो, अगर वन जीरो है तो वन कर दो, जीरो वन है तो वन कर दो, अगर जीरो जीरो है तो जीरो कर दो। अब इसको हम समझते हैं प्रोग्राम के माध्यम से। इसको हम प्रोग्राम के माध्यम समझते हैं कैसे ये काम करता है। जैसे कि अगर यहां प्रोग्राम लिखा गया है प्रिंट, प्रिंट लिखा गया है फोर एम परसेंट फाइव। अब यहाँ पे समझना यह है कि ये एम परसेंट का मतलब क्या होता है। ये एम परसेंट जो है यह दर्शाता है एंड को, एंड दर्शाता है एम परसेंट। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले नंबर है यहाँ पे लिख लिए हैं बाइनरी नंबर। तो ये बाइनरी नंबर में इस तरह ये फार्मूला है, एक फार्मूला है, इस फार्मूले को आप रखेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम चार का बाइनरी निकालते हैं, चार का बाइनरी, तो हमारा क्या आता है, ये आता है 100। और पांच का निकालेंगे, पांच का बाइनरी, तो क्या आता हमारा 101। तो यहां पे ये आ गया। अब यहां पे ये कह रहा है कि फोर एंड फाइव। अब ये फोर एंड फाइव में क्या करना होगा कि जहां वन वन है तो वहां वन कर देना है, बाकी जहां ये अपोजिट और वन जीरो है जीरो कर देना है, वन जीरो जीरो है तो मतलब इस तरह से पूरा कर देना है। तो यहां पे देखिए, ये जीरो वन है तो जीरो हो जाएगा, ये वाला कंडीशन है, जीरो जीरो है तो ये वाला कंडीशन है, इसलिए यहां भी जीरो हो जाएगा। ये पहला वाला कंडीशन है, वन वन है तो यहाँ पे वन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आएगा वह क्या आएगा, फोर। क्या आएगा, फोर आएगा, क्योंकि यहां पे यह फोर दिखा रहा है। तो इस प्रकार से आप और को भी इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं, सेम एग्जांपल से यहां और में देखते हैं। अब यहां लिखते हैं प्रिंट फोर एंड यहां पे लिखते हैं और, ये जो साइन है ये और का साइन है, और यहां पे लिखते हैं फाइव। अब इसका क्या आंसर आता है, आइए देखते हैं। पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं बिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले कन्वर्ट कर लिए हैं। तो यहां पे हम जो है इस तरह कर दिए, फिर यहां फाइव का कर दिए 501, मतलब ये जो है 101 हो गया। अब इसको हम जो है कन्वर्ट करते हैं, इस फॉर्मूले पर रखते हैं। इस पर रखते हैं क्या होगा, अब ये कह रहा है अगर वन वन है तो वन हो जाए, यानी कि यहाँ पे वन हो जाएगा, अगर जीरो जीरो है तो जीरो हो जाए,
लेकिन यहाँ पे अगर वन जीरो और वन है तो जीरो वन है तो वन हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसमें आउटपुट आएगा वह क्या आएगा, फाइव आएगा। इसमें आउटपुट करना आएगा फाइव आएगा। यदि आपको और सारी चीजें इसे चेक करना है तो आप पायरेट थ्री को डाउनलोड कीजिए और वहां से चीजों को चेक कीजिए। यहां पे तो आपको हमने कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो यहां पे आइए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है, ये नॉट ऑपरेटर है। नॉट में क्या होता है, अगर यहां पे हम लिख दिए प्रिंट, प्रिंट लिख दीजिए, ये टिल्ड का साइन होता है, टिल्ड, और यहां पर लिख दिए फाइव, तो इसका क्या होगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, माइनस सिक्स। अब ये माइनस सिक्स कैसे आता है इसको थोड़ा जानते हैं। इसको आपको बहुत गहराई में जाना है क्योंकि आपको प्रोग्रामर नहीं बनना है। यहां पे आपको सिखा रहे हैं हम ओ लेवल को क्रॉस करने के लिए सिखा रहे हैं। आप ओ लेवल पास कर लेंगे बस उतना यहाँ पे आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो इसके लिए अगर आप एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है कि टिल्ड फाइव का आंसर क्या होगा, चार ऑप्शन रहेंगे, उसमें माइनस सिक्स को लगाना है। आइए जानते हैं यहाँ पे कि यह माइनस सिक्स आया कैसे, माइनस सिक्स आया कैसे। इसको आप साधारण बात समझिए कि जब भी यहाँ पे जो भी संख्या लिखा गया है उससे हमें एक आगे चलना है। एक आगे चलना मतलब कि अगर फोर लिखा, देखिए अगर फाइव लिखा है तो मैं सिक्स लिखना है, अगर फोर लिखना है तो फाइव लिखना है, तो इस तरीके से हमें करना है। तो अब आगे क्या करना है, बस उसके सामने हमें वन लगा देना है। क्या लगा देना है, वन मतलब ये सॉरी माइनस लगा देना, माइनस का साइन। इसका मतलब यह हुआ कि अगर लिखा है प्रिंट टिल फोर, तो इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वह क्या आएगा, माइनस फाइव। और अगर यहां पे लिखा गया है टिल फाइव तो आंसर क्या आएगा, माइनस सिक्स। अगर यहां पे लिखा गया है थर्टीन तो यहां पे क्या आएगा, माइनस के फोर्टीन। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये नॉट ऑपरेटर काम करता है। अब यहां पे आगे जानते हैं हम कि जॉर ऑपरेटर कैसे काम करता है। जॉर ऑपरेटर में क्या करना हमें है, तो बस देखिए सिंपली जॉर ऑपरेटर जो सिंबल, ये टोपी है, ये कैप है, तो यहां पर लिखते हैं प्रिंट प्रिंट फाइव कैप टू, फाइव कैप टू। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे इसको हम कैप ही बोलते हैं बोलेंगे, अब आप देख लीजिएगा। फिर यहां पे क्या कहते हैं, लिखा है फाइव, फाइव क्या कहते हैं, वन जीरो, क्या होता है, वन जीरो वन, वन जीरो वन, और टू क्या होता है, जीरो वन जीरो। अब इसको क्या कह रहा है, यहां पे ध्यान देखिए, यहां पे कह रहा है अगर सेम साइन है, सेम नंबर है, तो हमें क्या करना है, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे कोई भी सेम नहीं है, यानी कि वन जीरो वन जीरो वन, जीरो वन जीरो वन वन, वन जीरो वन जीरो क्या होगा, वन। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको क्या करेंगे, अब ये हमारा है बिट वाइज में, यानी कि बाइनरी फॉर्म में है। अब यहां पे आते हैं फॉर्मूले पे। इस फॉर्मूले को आप ध्यान से याद कर लीजिए, ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। यह इसमें क्या करना है, अब मैं वन लिख, क्या करना है, वन वन वन। अब यहां पे इसको 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 ऐड कर लेना है, क्या आएगा, फोर प्लस टू प्लस वन इक्वल टू सेवन। तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया, आउटपुट सेवन। तो इसी प्रकार से ये हमारा, अगर ये लिखा है फाइव कैप टू, इसका आउटपुट क्या आएगा, सेवन, इसका आउटपुट आएगा सेवन। अब यहां पे आई जानते हैं कि शिफ्ट कैसे काम करता है। शिफ्ट में क्या होता है, शिफ्ट यानी कि राइट पहले लिखते हैं लेफ्ट, जानते हैं हम कि लेफ्ट शिफ्ट कैसे काम करता है। लेफ्ट शिफ्ट में हमें क्या करना है, हमें उतना कदम लेफ्ट चला जाना, मतलब कि जो वाई के हिसाब से जितना वाई की संख्या रहेगा उतना हमें जाना है लेफ्ट की तरफ, यानी कि लेफ्ट की तरफ उतना जीरो में बढ़ा देना है। अब वाई एक्स पे, तो आइए देखते हैं इसको एग्जांपल के रूप में। जैसे लिखा हमारा फाइव लेफ्ट शिफ्ट टू, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम फाइव का बाइनरी फॉर्म लेंगे, जीरो वन जीरो वन जीरो वन। अब यहाँ पे दो कदम जाना है तो दो हमें जीरो बढ़ा देना है। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसको हम यहां पे रखते हैं तब जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। यहां पे लिखा है जीरो जीरो वन जीरो वन, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया ट्वेंटी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ट्वेंटी। यहां पे अगर ये होता फोर लेफ्ट शिफ्ट थ्री,
यहाँ पे थ्री होता क्या होता था हमारा, तो क्या होता है यहाँ पे फोर का पहले हम लिखते हैं बाइनरी फॉर्म, उसके बाद यहाँ पे तीन बार उसको उसके लेफ्ट साइड में जीरो बढ़ा देते, तो इसी चीज को जो है हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं क्या होगा ये जीरो 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 जीरो, कितनी बार जीरो है, पांच बार जीरो है तो जीरो, और यहां पर आ जाएगा वन, तो यहां पे अब ये कितना हो गया, ये हो गया 32, ये देखिए ये 32 हो गया। तो इस प्रकार से आप जान लीजिए कि अगर लेफ्ट शिफ्ट है तो वाई के हिसाब से हमें उतना जीरो बढ़ा देना है, फिर उसको जो है इस फार्मूले पे रख देना है, और उसके बाद जो है उसमें उसका डेसिमल फॉर्म में निकाल के ये 32 आ गया, पहले उसका बाइनरी फॉर्म, बाइनरी फॉर्म बाद जो है इस फॉर्मूले रख के हम उसको निकालेंगे डेसिमल फॉर्म में, फिर वहां पे उसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं राइट शिफ्ट में, राइट शिफ्ट में आपको हम बताते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम वही एग्जाम्पल लेते हैं फाइव ही, फाइव राइट शिफ्ट टू, फाइव राइट शिफ्ट टू, तो इसमें क्या होगा आप देखिए यहां पे फाइव, अब यहां पे क्या होगा वन जीरो वन, अब यहां पे करना है हमें राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट मतलब इधर आना है, तो इधर आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें इसको हटा देना है, मतलब यहां पे ये इतना ये हट जाएगा, इतनी संख्या ये यहां से ये हट जाएगा, तो अब बचा कितना वन, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वन। अब यहां पे अगर यहां पे होता सिक्स राइट शिफ्ट टू तो क्या होता, पहले हम जानते हैं कि टू का मतलब क्या होता है, यहां पे सिक्स का बाइनरी फॉर्म क्या होता है, सिक्स का बाइनरी फॉर्म क्या होता है यहां से देखिए वन वन जीरो, क्या होगा वन वन जीरो, अब यहां पे शिफ्ट कितना करना हमें टू, कितना करना है टू, तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां भी बचेगा केवल वन, इसका भी हो जाएगा वन। उसी प्रकार अगर यहाँ पे थ्री होता तो क्या होता, अगर यहाँ पे थ्री होता क्या होता था, यहाँ पे होता हमारा तो ए भी यहां से खत्म हो जाता और यहाँ बचता जीरो, यानी कि इसका जो आंसर आता हुआ था जीरो, यानी जब टू था तो वन आया था और जब थ्री है तो जीरो हो गया। इस प्रकार से हमें पूरा बिट वाइज ऑपरेटर हमारा खत्म हो गया, और यदि आपको लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट या किसी भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपका उत्तर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।